गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दुलारचंद दास स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और जो आपके पढ़ाई में मदद के लिए बनाया गया है। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे चैप्टर 1, ये क्लास 5 की इंग्लिश बुक है और इस चैप्टर का नाम है मदर। मदर का अर्थ होता है माँ। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। अक्सर मैं हमेशा ही कर्सर के साथ ही पढ़ाता हूँ। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स इन द प्रीटी स्काई, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स ऑन द शोर टुगेदर। हंड्रेड्स इसका अर्थ है सैकड़ों, सैकड़ों तारे चमकते हैं सुंदर सा आसमान में। सैकड़ों सेल्स घोंघा जो होते हैं समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, वो कई सारे बहुत सारे एक साथ मिलेंगे आपको समुद्र के किनारे। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स दैट गो सिंगिंग बाय, हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स इन द सनी वेदर। सैकड़ों चिड़ियाँ गाना गाते हैं, अर्थात है इसका अर्थ है कि वे चहचहाते हैं, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ को ही उनका गाना होता है। हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स इन द सनी वेदर, और सुबह के धूप में सैकड़ों लैम्प्स, भेड़ के बच्चे, बकरी के बच्चे सारे चरते रहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स टू ग्रीट द डाउन, सैकड़ों ओस की बूंदें भोर का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ग्रीट डाउन का मतलब होता है सुबह, जो सूर्योदय के पहले जो लाइट होता है उसको डाउन बोलते हैं। भोर सुबह जो सूर्य की किरण निकलती है तो सुबह, और उससे पहले जो लाइट होती है उसको डाउन बोलते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बीज इन द पर्पल क्लोवर, सैकड़ों मधुमक्खियाँ पर्पल कलर का जो फ्लावर होता है उसमें मंडराते रहते हैं। क्लोवर एक पौधा होता है। हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज ऑन द लॉन, सैकड़ों बटरफ्लाइज तितलियाँ लॉन में, बगीचे में, आंगन में घूमते रहती है, उड़ते रहती है। बट ओनली वन मदर द होल वर्ल्ड ओवर, लेकिन पूरी दुनिया में माँ सिर्फ एक होती है। यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस चैप्टर का ये वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़कर याद कर लेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसका, और रिमेनिंग वर्ड यहाँ पे लिखने के लिए बोला जा रहा है। इसके अलावा 3 नंबर में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। आइए मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डू वी सी स्टार्स, वी सी स्टार्स इन द प्रीटी स्काई। वेयर डू वी फाइंड सेल्स, वी फाइंड सेल्स ऑन द सी शोर। हु ग्रीट्स द डाउन, हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स ग्रीट द डाउन। हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर देयर ऑन द लॉन, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज ऑन द लॉन। हु इज ओनली वन इन द होल वर्ल्ड, मदर इज ओनली वन इन द होल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू रिमिंग वर्ड्स। मैंने इसको डायरेक्ट आंसर दे दिया है, स्काई साय वाई। ये आप देख सकते हैं, इसको अगर आपको लिखने की आवश्यकता पड़ता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ट्रू और फॉल्स। इसमें आप देख सकते हैं जो ट्रू है उसके लिए मैंने टी लिख दिया है, जो फॉल्स है उसके लिए एफ लिखा हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं या वीडियो के साथ बना सकते हैं, एफ टी टी एफ। और क्वेश्चन नंबर 6,
मैच द फॉलोइंग है, इसमें मैच करने के लिए बोल रहा है, इसको मैंने बना दिया है। आप इसको वीडियो के साथ बना सकते हैं पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। इसके आगे क्वेश्चन एक और मैच द फॉलोइंग है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, इसके मीनिंग के साथ मिलाने के लिए बोला गया है। आप इसको वीडियो के साथ पॉज करके बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। इसके आगे का चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।